चलिए हम लोग देखते हैं विंड एनर्जी जनरेट करने में इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, या उसी को हम कह सकते हैं चैलेंजेस या डिसएडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी। पहली जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है विंड एनर्जी जनरेट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट विंड होनी चाहिए। माने कम से कम हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड वाली विंड होनी चाहिए, कंसिस्टेंट माने लगातार विंड का फ्लो होते रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन तो मेट होनी चाहिए लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। इसलिए विंड एनर्जी के सेक्टर में जो विंड होती है उसको कहते हैं इंटरमीडिएंट। इंटरमीडिएंट माने विंड कभी कंसिस्टेंटली आती है, फिर नहीं आती, फिर आने लगती है, यानी इट कम्स एंड गोज, ठीक है, लगातार आना जाना इसका बना रहता है, इसलिए इसको इंटरमीडिएंट कहते हैं, यानी रुक रुक कर आना। तो इससे क्या होता है कि कंटिन्यूसली हम सेम अमाउंट का पावर जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है, कभी कम पावर जनरेट होता है कभी ज्यादा, और उसको हम डायरेक्ट सप्लाई रूट पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो विंड एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं उसको या तो बैकअप या स्टोरेज के रूप में हम पहले स्टोर करते हैं, बाद में उसको फिर ट्रांसमिट करते हैं। तीसरे नंबर पे कंटिन्यू कैपेसिटी एडिशन इज नॉट टेकिंग प्लेस। भारत में अगर हम पिछले 5 साल का आंकड़ा देखें तो हम हर साल विंड एनर्जी में कुछ एक्स्ट्रा एडअप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, और यदि एडअप हुआ भी है तो उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं हुआ है। जैसे 2018-19 से 2019-20 में हमने विंड सेक्टर में कैपेसिटी एडिशन किया है, लेकिन इसके पहले जब हम 2017 से 2018 में आए थे तो उस समय विंड एडिशन में कमी आई थी। तो ये जो विंड एडिशन हर साल उसमें कुछ एडअप होते रहना चाहिए, उसमें कंसिस्टेंटली नहीं है, ठीक है, ये एक कमी है। चौथा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ग्रेजुअली टेकन इंसेंटिव्स अवे। क्या होती है रिन्यूएबल एनर्जी में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोलर सेक्टर को, विंड सेक्टर को, बायोमास सेक्टर को कुछ इंसेंटिव्स देती है ताकि उस एनर्जी को जनरेट करने वाले गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं वो उस इंसेंटिव्स के कारण उस सेक्टर में आकर के एनर्जी जनरेट करते हैं। तो कुछ दिनों से जब विंड एनर्जी स्टार्टिंग पोजीशन में थी तब तो गवर्नमेंट ने अच्छा खासा इंसेंटिव दिया, लेकिन अब जब विंड एनर्जी की प्रोडक्शन हम लोग काफी मात्रा में करने लगे हैं तो सरकार ने इंसेंटिव्स बहुत कम कर दिए हैं। क्यों? उसका रीजन ये है कि अब भारत सरकार का जो ज्यादातर फोकस है वो कहां पर है, मोर फोकस ऑन, ये फोर फोकस लिख दिया है, एक्चुअली ये मोर फोकस है, मोर फोकस ऑन सोलर सेक्टर में होने के कारण विंड सेक्टर में जो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स थे वो कम हो गए हैं। पांचवी जो समस्या है, हायर बिडिंग प्राइसेस, यानी जो बोली लगती है, तो अगर हम कंपैरिजन देखें तो सोलर सेक्टर में जो एवरेज बिडिंग प्राइस है वो है 2.23 रूपये पर यूनिट, जबकि विंड में वही बिडिंग 4.5 रूपये पर यूनिट जाती है। अर्थात विंड सेक्टर में बिडिंग कॉस्ट ज्यादा होने के कारण जो इन्वेस्टर्स हैं वो विंड को छोड़ करके सोलर सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। छठवें नंबर, लेक ऑफ प्रॉपर डेटा और एसेसमेंट। हमारे पास एक होल इंडिया में प्रॉपर डाटा नहीं है कि कहां कहां हम ऑनशोर और ऑफशोर विंड पावर प्लांट ज्यादा बेहतर कैपेसिटी के साथ डेवलप कर सकते हैं। तो ये डाटा, हालांकि हमने विंड एटलस ऑफ इंडिया 2010 में बनाया है, लेकिन अभी भी उस पर काम उतना तेजी से नहीं हो रहा है। हाई इनिशियल कॉस्ट, जब भी विंड पावर प्लांट लगाया जाता है तो थोड़ा सा उसके टर्बाइन वगैरह काफी महंगे होते हैं, ठीक है, तो उसमें इसका इनिशियल कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा आता है। डिले एग्जीक्यूशन, डिले एग्जीक्यूशन का मतलब सरकार की ओर से कुछ पावर प्लांट को फाइनलाइज कर दिया गया है लेकिन अभी तक उसमें गो अहेड माने अप्रूवल नहीं मिला है और उसके कारण वहां पर प्रोडक्शन प्रॉपर स्टार्ट नहीं हो पाया। तो सरकार की ओर से जो विंड पावर प्लांट है उसको एलोकेट करने में, उसको अप्रूव करने में, ठीक है, और भी जो बीच में कई स्टेजेस होते हैं उसमें डिले किया जाता है। नौवे नंबर की दिक्कत है हाई टैरिफ रेट्स, ठीक है, हर एक जो सोर्स से एनर्जी पैदा की जाती है उसमें सरकार कुछ टैक्स वगैरह लगाती है, ठीक है, वो काफी ज्यादा है। दसवें नंबर पे इनएफिशियंट विंड मिल्स, हमारे यहाँ जो विंड मिल है वो ग्लोबल अगर हम कंपैरिजन करें तो उन विंड मिल्स की तुलना में इनकी कैपेसिटी इंडिया में कम है।
ग्यारहवे नंबर का समस्या है विंड फ्लक्चुएशन। वही मैं इसके बारे में ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि विंड कंसिस्टेंटली नहीं चलती, विंड जो है वो फ्लक्चुएट करती है, माने कभी विंड की स्पीड ठीक ठाक होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी इतनी ज्यादा होती है कि हमारे जो विंड टर्बाइन होती है उनको नुकसान पहुंच जाता है। ठीक है, बारहवें नंबर पर विंड टर्बाइन आर एक्सपेंसिव। ठीक है, विंड टर्बाइन अभी हमारे पास उतनी बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है कि हम सस्ते कीमत वाले विंड टर्बाइन बनाए। हालांकि पहले की तुलना में, यानी अगर हम 2010-11 की बात करें और वर्तमान में 2019-20 की बात करें, तो लगभग विंड टर्बाइन की कॉस्ट में 3 गुनी कमी आई है। स्टिल ग्लोबल प्रैक्टिस के रिस्पेक्ट में इंडिया में अभी भी टर्बाइन की कीमत ज्यादा है। 13th नंबर में प्रॉब्लम है विंड टर्बाइन पोज अ थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ मेनली बर्ड्स, और बर्ड्स में भी मेनली बेट्स। विंड मिल चलते रहते हैं और उसके आसपास से पक्षी वगैरह उड़ते हैं तो उससे टकरा करके उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये वाइल्ड लाइफ के लिए मेनली बर्ड्स के लिए जो विंड मिल्स होते हैं वो खतरनाक होते हैं। ठीक है, भारत में चमगादड़ों की संख्या कम होने का एक बहुत बड़ा रीजन विंड मिल्स भी है। और 14वें नंबर का प्रॉब्लम है नॉइस पॉल्यूशन। जहां कहीं भी विंड मिल्स चलते हैं वहां काफी मात्रा में नॉइस जनरेट होता है, जो वहां पर आसपास में जो रेजिडेंशियल एरिया है वहां के लोगों को एक सुकून और शांति का माहौल नहीं मिल पाता, वातावरण में नॉइस पॉल्यूशन भी होता रहता है। ठीक है, तो ये तो समस्याएं हैं विंड सेक्टर को लेकर के। भारत सरकार ने कुछ इनिशिएटिव्स, भारत सरकार ने क्या कदम उठाया है विंड सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो एक तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी 1992 में इसको स्थापित किया गया था और 2006 में इसको रिनेम किया गया। तो एक फोकस्ड मिनिस्ट्री भारत सरकार ने एस्टेब्लिश की है जो रिन्यूएबल एनर्जी पर पर्टिकुलरली ध्यान देती है, और विंड एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है तो विंड एनर्जी भी इसी मिनिस्ट्री का दायित्व है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, हमने एक स्पेशल बॉडी जो विंड सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यह संस्था स्थापित किया है, इसने वर्ष 2010 में डेनमार्क की मदद से भारत का विंड एटलस बनाया है, जिससे यह पता चलेगा कि भारत में कहां कहां विंड पावर के लिए पोटेंशियल है, कहां कहां हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी संस्था ने एसेस्ड विंड पावर पोटेंशियल एट 100 मीटर हाइट, उसने पूरे भारत में 100 मीटर की ऊंचाई पर जितनी ऊंचाई पर विंड मिल लगाया जाता है वो उतना ज्यादा पावर जनरेट करती है। ठीक है, तो फिर उसको 200-300-400 भी कर दे, नहीं ऐसे में फिर उसको मेंटेनेंस करने में भी, रिपेयरिंग करने वगैरह में भी दिक्कत आती है। ठीक है, तो 100 मीटर इज द मतलब मैक्सिमम हाइट ठीक ठाक होती है, तो इतने मीटर हाइट पर यदि विंड पावर इंडिया में लगाया जाए और इससे इंडिया में जितनी लैंड है उसका 2% लैंड ऑक्यूपाई किया जाएगा। ठीक है, और इससे 300 गीगावाट एनर्जी पैदा की जा सकती है, ऐसा असेसमेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी चेन्नई ने लगाया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेव इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्ज, यदि विंड एनर्जी पैदा की जाती है एक राज्य में और उससे इलेक्ट्रिसिटी दूसरे राज्य में भेजी जाती है तो पहले इसमें ट्रांसमिशन का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सरकार को चार्ज लगाती थी। ठीक है, अब वो चार्ज से मुक्त कर दिया गया है, तो अब विंड एनर्जी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसमिट करना अब थोड़ा सा रिलेटिवली चीपर हो चुका है। 4वें नंबर पर नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी फ्रेमवर्क 2015, ये पॉलिसी लाई थी भारत सरकार ने जिसका पर्पज था टू डेवलप द ऑफशोर विंड एनर्जी इन द इंडियन ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अलोंग द इंडियन कोस्ट लाइन। भारत के तट से लगता हुआ भारत का जो ईईजेड है उसमें ऑफशोर विंड पावर प्लांट लगा करके और ज्यादा मात्रा में विंड पावर को जनरेट करने के लिए यह पॉलिसी 2015 में लाई गई थी, और इसी पॉलिसी के अंतर्गत फर्स्ट ऑफशोर पावर प्लांट गुजरात में लगाया जा रहा है और दूसरा तमिलनाडु में लगाया जाएगा। 5वें नंबर पे जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स है सोलर विंड हाइब्रिड पॉलिसी 2018। सोलर विंड हाइब्रिड पॉलिसी का मतलब, इसके पहले हमने पढ़ा केवल सोलर एनर्जी, उसमें केवल सोलर एनर्जी जनरेट की जाएगी, विंड एनर्जी केवल विंड एनर्जी जनरेट की जाएगी। हाइब्रिड का मतलब एक ऐसा पावर प्लांट लगाया जाएगा जो दिन में तो सोलर से चलेगा और रात में विंड से चलेगा, यानी उस पावर प्लांट से 24 घंटे बिजली हमें उपलब्ध होगी। ठीक है, तो यहां पर हम देखें कि जो सोलर है वो सनलाइट से चलती है और भारत में सन की सबसे ज्यादा इंटेंस जो गर्मी होती है वो 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक होती है।
तो हमारे जो सोलर पैनल है वो 11 बजे से 3 बजे तक बेस्ट काम करते हैं, उसके पहले थोड़ा कम काम करते हैं, उसके बाद थोड़ा कम काम करते हैं, और सूर्यास्त के बाद उनका काम करना बंद हो जाता है। तो ये तो सोलर हो गया। और विंड में, विंड भारत में सबसे तेज कब चलती है? लेट इवनिंग। लेट इवनिंग माने 5 बजे के बाद, 6 बजे, 7 बजे एंड अर्ली मॉर्निंग। और कब चलती है? वही सुबह 4 बजे से लेकर के और लगभग 8 बजे तक। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जिस समय में सोलर अवेलेबल है उस समय में विंड वीक है, 11 से 3 बजे विंड वीक है लेकिन सोलर तेज है, और जिस समय विंड तेज है उस समय सोलर जो है वो सबसे ज्यादा इंटेंस है। अब यहां बीच का एक ऐसा समय बचा 6 से 9। भारत में सबसे ज्यादा एनर्जी की जो डिमांड है उस 6 बजे शाम से लेकर के 7 को 9 बजे शाम तक रहती है। ठीक है, अब ये तीनों आंकड़े यदि हम मिला ले तो 11 बजे से 3 बजे तक हमें सोलर एनर्जी मिल सकती है। लेट इवनिंग माने शाम को लगभग 8 बजे के बाद से, 8 से लेकर के सुबह 8 तक हमें विंड से एनर्जी मिल सकती है। बीच में एक ऐसा टाइम बचा 6 से 9 जहां हमें एनर्जी नहीं मिलती, और यही टाइम है जब हमको एनर्जी सबसे ज्यादा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक हाइब्रिड पावर प्लांट लगाएंगे जो दिन में सोलर से चलेगा, रात में विंड से चलेगा, और उसमें एक बैटरी बैकअप रखा जाएगा, क्योंकि इनसे जितनी एनर्जी जनरेट होगी उसको बैटरी बैकअप के रूप में ले लिया जाएगा और 6 से 9 के बीच में उसको सप्लाई कर दिया जाएगा। इस प्रकार जो सोलर और विंड के हाइब्रिड मॉडल होते हैं वो 24 आवर्स पावर सप्लाई का काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो इससे अकेले सोलर की जो प्रॉब्लम थी और अकेले विंड की जो प्रॉब्लम थी उससे यहां पर ओवरकम किया जा सकता है। छठी बात हम लोग देखते हैं, भारत सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में 100% एफडीआई की इजाजत दे दी है, और वो भी ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट माने सबसे आसान रास्ते के माध्यम से विदेशी कंपनियां भारत में 100% एफडीआई लेकर के रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में आ सकती है। सातवें नंबर पे है रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। सरकार ने एक नियम बनाया जिसको बोला जाता है आरपीओ, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। इसको समझ लेते हैं, ये रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन है क्या। इसका हिंदी में मतलब होता है कि नवीन ऊर्जा को खरीदने की बाध्यता। तो भारत में जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इंडिया में जितने हैं, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, भारत के वे सेक्टर जो एनर्जी का बहुत ज्यादा कंजप्शन करते हैं, इन दोनों के लिए भारत सरकार ने यह नियम बनाया है कि आप जितनी भी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या कंज्यूम करते हैं उसका कुछ सर्टेन अमाउंट आप रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करेंगे। बस समझ आई, इसी को कहते हैं रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। ये डोमेस्टिक सेक्टर के लिए या छोटे मोटे इंडस्ट्री के लिए नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले या पावर का बहुत ज्यादा कंजप्शन करने वाली कंपनीज या उद्योग धंधे जो भी हैं उनके लिए ये कंडीशन है। ठीक है, चलिए। मान लीजिए कि मैं एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट हूं और मैं लगभग 100 मेगावाट की बिजली रोज खपत करता हूं। ठीक है, तो मेरे लिए यह बाध्यता है कि मैं उसमें से कुछ एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेस से खरीदूं, यानी उसके लिए या तो मैं अपने छत पर सोलर पैनल लगवाऊं, ठीक है, या कुछ भी ऐसा तरीका हमें करूं। मान लीजिए कि मैं, मुझे महीने भर का टारगेट मिला कि आपको महीने भर में इतना एनर्जी आपको रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर से कंज्यूम करना, और मैं महीने भर में उतना नहीं कर पाया रिन्यूएबल एनर्जी के से जितना मुझे टारगेट दिया था, तो उसका भी एक उपाय है, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट क्या है? मान लीजिए कि दो कंपनीज है, ए और बी। ए को टारगेट दिया गया कि महीने में आप 20% रिन्यूएबल एनर्जी कंज्यूम करेंगे, और बी को भी टारगेट दिया गया कि आप भी महीने में जो है 20% रिन्यूएबल एनर्जी कंज्यूम करेंगे। अब मान लीजिए महीने के अंत में ए ने केवल 15% ही रिन्यूएबल एनर्जी कंज्यूम किया, माने उसको 5% की कमी हो गई, और बी ने 28% रिन्यूएबल एनर्जी कंज्यूम किया, माने उसको 8% का सरप्लस हो गया। तो बी कंपनी 5% अपने 8% सरप्लस में से 5% ए कंपनी को बेच देगी, जिसको कहा जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। ठीक है,
ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म टाइप का है जो मैं आपको कार्बन क्रेडिट वगैरह में आपको जो क्योटो प्रोटोकॉल में समझा चुका हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये सातवां नंबर का एक अच्छा इनिशिएटिव है भारत सरकार का। आठवें नंबर पे है ट्रांसपेरेंट एंड कॉम्पिटिटिव बिडिंग। अब भारत सरकार ने जो सोलर है या विंड सेक्टर है उसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ और प्रतिस्पर्धी लेवल का बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट किया है ताकि कोई भी कंपनी इस ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखकर के रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। दो नंबर पे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, जैसे कि यहां पर हमने डेनमार्क है, नीदरलैंड है, फिनलैंड है, ये दुनिया के बड़े बड़े, जर्मनी है, विंड पावर जनरेट करने वाली कंपनीज हैं, तो हम भी इनके साथ कोलैबोरेट करके कुछ चीजों को, अपना जो कमी है विंड सेक्टर में उसको हम पूरा कर रहे हैं। दसवां पॉइंट है फर्स्ट लिडार इंस्टॉल्ड ऑफ द गुजरात कोस्ट फॉर गैदरिंग विंड रिसोर्स डाटा। ऑफशोर विंड एनर्जी जनरेट करने के लिए हमने गुजरात के तट पर एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगाया है जिसको बोला जाता है लिडार। ठीक है, और हम लोग अपने केमिस्ट्री में सोनार, लिडार, ठीक है, लेजर, ये सब क्या हो गया हमने पढ़ लिया है, तो वहां पर इसको लगाया गया है ताकि हमें पता चल सके कि गुजरात ऑफशोर में विंड पावर की कितनी कैपेसिटी है। इस प्रकार के और भी लिडार तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कोस्ट में लगाए जाने की भारत सरकार की योजना है ताकि हमको एग्जैक्ट डाटा, एग्जैक्ट असेसमेंट जो है हम उस जगह का कर सकें। ग्यारहवें नंबर पे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक टारगेट सेट किया है कि 2022 तक हम 60 गीगावाट विंड पावर जनरेट करेंगे और 2027 तक 100 गीगावाट एनर्जी हम विंड से जनरेट करेंगे। तो ये एक एम्बिशियस टारगेट है और उसको पूरा करने के लिए मिनिस्ट्री और सरकार और प्राइवेट सेक्टर सभी का एक मिला जुला करके काम तेजी से चल रहा है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, हर स्टेट गवर्नमेंट ने, खास करके साउथ में जो कोस्टल एरिया है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन्होंने बहुत ही एट्रैक्टिव और बहुत ही बढ़िया विंड एनर्जी को लेकर के अपनी पॉलिसीज बनाई है और इन्वेस्टर्स वहां पर जा रहे हैं और विंड पावर प्लांट वहां पर लगा रहे हैं। तो ऐसे इनकरेजिंग स्टेट गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज भी जगह जगह पर जहां पर विंड पावर की पोटेंशियल ज्यादा है वहां पर बनाई जा रही है। तो ये तमाम जो उपाय है भारत सरकार द्वारा वो किए जा रहे हैं। अब इसके बाद में जो प्रॉब्लम्स है उनका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए और क्या सजेशन होना चाहिए, ये आप ये पूरी चीजों को समझने के बाद अब आप इसको डू इट योरसेल्फ, ठीक है, आप खुद बताएंगे कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए और क्या आप सजेशन देना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, जो डिले एग्जीक्यूशन है, सरकार को सोलर के साथ साथ विंड पे भी ध्यान देना, ये सारे पॉइंट्स जब आपको पढ़ेंगे कमी, उन्हीं कमी में से कुछ बिंदु उठा करके आप सॉल्यूशन का बना देंगे, ये सॉल्यूशन हो सकता है। और फिर कुछ सजेशन आप दे सकते हैं, जैसे सजेशन भी ये है कि भारत सरकार ने को अभी ऑनशोर विंड पावर प्लांट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए बनिस्पत ऑफशोर, क्योंकि ऑफशोर में एक तो एक्सपेंसिव होते हैं और अभी ऑनशोर में ही इंडिया में काफी पोटेंशियल है। पहले हम एक तरफ ध्यान दें, जब ऑनशोर में हम पर्याप्त पोटेंशियल प्राप्त कर लें तब हमें ऑफशोर की तरफ जो है वो ध्यान देना चाहिए, टैरिफ कम करना चाहिए, जो भी दिक्कतें समस्याएं आ रही हैं नॉइस को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कुछ करना चाहिए ताकि नॉइस वगैरह कम हो। तो ये तमाम सजेशंस जो है हम दे सकते हैं। ठीक है, इसके साथ कुछ और नोट्स मैं आपको बता देता हूं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड फार्म मैं आपको बता चुका हूं, जहां पर एक से ज्यादा विंड मिल लगे हों उसको विंड फार्म कहा जाता है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा विंड फार्म है जिकुआन, जिसकी कैपेसिटी है 2 गीगावाट चाइना में है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड फार्म है। दूसरे नंबर पे आता है जैसलमेर विंड फार्म, 1650 मेगावाट इसकी क्षमता है, राजस्थान इंडिया में लोकेटेड है। इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है सुजलोन एनर्जी। ठीक है, तीसरे नंबर पे अल्टा विंड एनर्जी सेंटर, 1548 मेगावाट इसकी पावर है, क्षमता है और यूएसए में लोकेटेड है। चौथे नंबर पे फिर इंडिया का नाम आता है मुकुंडल विंड फार्म, 1500 मेगावाट कन्याकुमारी तमिलनाडु में लोकेटेड है। पांचवें नंबर पे सीफोर्ड फ्लैट विंड फार्म, 1400 मेगावाट यूएसए। तो दुनिया के ये पांच सबसे बड़े विंड फार्म्स हैं जिनमें से दो दूसरा और चौथे रैंकिंग का इंडिया का है। तो इंडिया अब काफी सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, विंड पावर कंपनीज है इंडिया, भारत में कुछ विंड पावर कंपनीज इंपॉर्टेंट है, उनका नाम हमें याद रखना है। एक है बेस्टास, ये कनाडा की कंपनी है,
भारत में काम करती है। दूसरा सुजलोन, इंडिया की अपनी कंपनी है, पुणे में इसका हेडक्वार्टर है और इसके फाउंडर का नाम है तुलसी कांति, ये नाम बड़ा फेमस है, ठीक है। तीसरे नंबर पे रीगेन, आर ई और बीच में जी कैपिटल है, रीगेन पावर टेक, ये भी इंडिया की अपनी कंपनी है, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। फिर है इनरकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया की कंपनी है और बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। जीई विंड एनर्जी लिमिटेड यूएसए की कंपनी है। ये पांच इंडिया की बड़ी कंपनियां हैं जो उसके लिए विंड पावर प्लांट के लिए टर्बाइन बनाती हैं, उसके लिए और भी जो इंस्ट्रूमेंट उपकरण वगैरह लगती हैं वो बनाती हैं और साथ ही विंड पावर खुद भी जनरेट करती हैं, जैसे कि यहां पर सुजलोन ने जैसलमेर में लगाया है और इधर ये जो मुपंडल विंड फार्म है इसको लगाने वाली कंपनी है वेस्टास, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर विंड सेक्टर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे फिर अब हमारा बच जाता है बायोमास बच जाता है, उसके बाद फिर ओशन एनर्जी बच जाता है, स्मॉल हाइड्रो वगैरह, तो छोटे मोटे चीजें बच जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कीजिए और इससे मेंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कि भारत में विंड एनर्जी की क्या पोटेंशियल है, ठीक है। और विंड एनर्जी हालांकि एक अच्छी एनर्जी है लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल या कुछ जो इंडिया में कुछ कैपेसिटी लेवल की प्रॉब्लम है तो उसको एक्सप्लेन करो, अगर इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आता है तो अगर हम ये सारी बातें अच्छे ढंग से समझ लेते हैं तो हम उसका आंसर राइटिंग बेहतर ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।